तो हमने फिफ्टींथ क्वेश्चन है हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया आ गया राइट एंगल ट्राइंगल आगे क्या कह रहा है देखिए द रेडियस ऑफ हु सर्कल मेजर्स एट सेंटीमीटर सर्कम सर्कल होता है सर्कम सर्कल होता है सर्कल के अंदर ट्राइंगल का होना राइट right? वो कह रहे हैं द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल मेजर्स एट सेंटीमीटर तो मान लीजिए ये डायमीटर हुआ क्योंकि ये देखिए ये डायमीटर हुआ क्योंकि ये टच कर रहा है सर्कल को दोनों पॉइंट से और ये इसका सेंटर है राइट right? और वो कह रहा है रेडियस जो है वो एट सेंटीमीटर है तो ये एट सेंटीमीटर हुआ हाफ कहाँ से कहाँ तक का यहाँ से यहाँ तक का राइट right? आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाई पोटिन्यूज मेजर सिक्स सेंटीमीटर और जो एल्टीट्यूड हमारा ड्रा किया जा रहा है हाई पोटिन्यूज पे वो है हमारा सिक्स सेंटीमीटर ये कह रहा है वो अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए ये पॉइंट से यहां तक का एट सेंटीमीटर था और अगर हम इसे डबल कर देंगे तो ये पूरी साइड हमें पता चल जाएगी तो एज सेंटर ऑफ दी सर्कल इज सर्कम सेंटर ऑफ राइट ट्राइंगल ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ट्राइंगल है सो हाई पोटन्यूज जो ये हाई पोर्टन्यूज है वो कितना हो जाएगा हाई पोटन्यूज इक्वल्स टू डबल ऑफ रेडियस हो जाएगा इसको डायामीटर भी कह सकते हैं हम राइट लेकिन हम राइट एंगल की बात कर रहे हैं इसलिए हाइपोटन्यूज़ की बात कर रहे हैं तो ये हो गया टू इंटू एट दैट इज सिक्सटीन सेंटीमीटर आ गई हाइपोटन्यूज़ हमारी अब अगर हम इसको राइट ट्राइंगल ना देख के एक ट्राइंगल देखें तो हमारा ये क्या हो गया बेस हो गया जो इसकी हाइपोटन्यूज़ है और हमें हाइट दे रखी है राइट फिर से बता रही हूँ हम सिर्फ सर्कल के अंदर के ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और ट्राइंगल की अगर बात करें तो ये क्या दे रखा है हमारा बेस आ गया ये अब बेस हमें पता है और हाइट हमें पता है तो हम एरिया इज़ली निकाल सकते हैं नाउ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल ऑफ राइट ट्राइंगल इज अ बेस ऑफ ट्राइंगल बेस ऑफ ट्राइंगल सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की बात करें ए बी सी कितना आ गया हाफ इंटू बेस बेस है हमारा ए सी इंटू हाइट हाइट है हमारी ये डी पॉइंट बी डी तो ये कितना आ गया हाफ बेस कितना था हमारा 16 सेंटीमीटर आ गया अभी हमने निकाला हाई पॉटन यूज जिसे हम कह रहे थे राइट right ट्राइंगल का हाई पॉटन यूज था और वैसे ट्राइंगल देखें तो उसका हमारा ये बेस है राइट right? और हाइट है हमारी सिक्स तो ये कितना आ गया टू वन ज टू टू थ्री इज अ सिक्स तो ये आ गया फोर्टी एट सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया इस ट्राइंगल का फोर्टी एट सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ना हो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द हाई पोटिन्यूज ऑफ एन आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राएंगल हमें लेंथ निकालनी है हाई पोटिन्यूज की किसकी लेकिन आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राएंगल की हुज एरिया इज टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर जिसका एरिया टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर है ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर और हमें पेरीमीटर भी निकालना है और रूट टू की वैल्यू हमें वन पॉइंट फोर वन लेनी है चलिए करते हैं हमारे सिक्सटीन क्वेश्चन में कह रहा है आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल है इसका मतलब है राइट एंगल ट्राएंगल है जिसकी दोनों साइड्स मतलब परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है तो ये हो गया हमारा ए बी सी और राइट right एंगल ये बन गया हमारा आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं दैट इज कॉल्ड आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल अब इसके में हमें लेंथ निकालनी है हाइपोटेन्यूज की और हमें इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है एरिया ऑफ आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल इज टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो और हमें पेरीमीटर निकालना है और हमें हाई निकालना है अब हमें ये नहीं बताई हुई ये लेंथ कितनी है परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ कितनी है तो लेट द बेस बी एक्स है तो परपेंडिकुलर भी क्या होगा एक्स हो जाएगा परपेंडिकुलर बी एक्स सेंटीमीटर्स हो गई राइट right? अब हमें एरिया दिया हुआ है एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे एरिया क्या होता है हाफ राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अब एरिया है 200 हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर हाफ एज इट इज बेस हमने एक्स माना और हाइट और परपेंडिकुलर सेम होती है तो वो भी एक्स हुआ तो ये भी x हो गया अब क्या करेंगे ये टू इधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा तो टू हंड्रेड इंटू टू इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई फोर हंड्रेड तो एक्स कितना गया आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ फोर हंड्रेड दैट इज ट्वेंटी सेंटीमीटर आ गया अब हमें x की वैल्यू पता चल गई कि ट्वेंटी सेंटीमीटर इसका मतलब हमारा बेस भी ट्वेंटी सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर भी अब हमें हाई यूज निकालना है तो कैसे निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम होती थी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब परपेंडिकुलर भी हमारा 20 सेंटीमीटर आया और हमारा बेस भी 20 सेंटीमीटर आया तो ये कितना आ गया 400 प्लस 400 तो h स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 800 और h कितना आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 800 800 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से तो ये हो गया टू फोर ज़ीरो ज़ीरो टू टू जो फोर ज़ीरो ज़ीरो टू वन जो टू ज़ीरो ज़ीरो एंड टेन इंटू टेन तो ये देखिए एक एक बार बाहर निकाल लेंगे तो ये कितना आ गया टू टेन जिस ट्वेंटी रूट टू अब रूट टू की वैल्यू हमें पता है कि वन पॉइंट फोर वन लेनी थी तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जीरो एज इट इज अब टू की मल्टीप्लाई इसमें तो टू वन जो टू टू फोर जो ए टू वन जो टू और दो के बाद पॉइंट लग गया 28 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा 28.20 सेंटीमीटर हमारा हाई न्यूज आ गया अब हमें पेरीमीटर निकालना था पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा ए बी देखिए इस ट्रायंगल की सारी साइड्स को ऐड करके हमारा पेरीमीटर आ जाएगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो ए बी और बी सी हमारा परपेंडिकुलर और बेस ट्वेंटी ट्वेंटी आया था और सी ए अभी हमने निकाला है जिसे हम हाई पोटिन्यूज़ कह रहे हैं वो कितना है ट्वेंटी एट पॉइंट टू ज़ीरो तो ये कितना आ गया सिक्सटी एट पॉइंट टू ज़ीरो सेंटीमीटर इज़ द आंसर